हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम सिंह आपको हिस्ट्री का 2017 में नवंबर में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, पुराने पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन नेट में रिपीट भी होते हैं। आई फ्रेंड्स, ये मैंने पार्ट फिफ्थ बनाया है। आई फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये इसमें मैं केवल मिडविल पार्ट कराऊंगी, इसका मॉडर्न पार्ट में करा चुकी हूँ। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसे नाम से उल्लेखित नहीं किया गया है, इसे हजरत दिल्ली, राजी दिल्ली या शहर कहा गया है। यह सुल्तान कौन था? यह सुल्तान था इल्तुतमिश। 18 का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? जो सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है वो है मतला उल अनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है? अधिनियम जवाबित नहीं है वो है शाहाना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, मतलब 20 का 3। बाकी सभी है। सुल्तान द्वारा अनाजों के मूल्य का निर्धारण भी है, राशि अनाज का अनेक भंडार ग्रहों में भंडारण करना ये भी है, सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्यों को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये भी है, और जो नहीं है वो होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना स्क्रीन आप बड़ा कर लीजिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे दिए गए। अगर स्क्रीन बड़ा कर लेंगे तो क्वेश्चन और आंसर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस पुस्तकों में भारी वजन उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है? ये मिलता है अफीक की तारीख फिरोजशाही में और सिरात ए फिरोजी में। तो 21 का सी और डी, सी और डी है 2 नंबर में, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें शब्द दिए हैं और अर्थ दिए हैं, इसको हमें आपस में सुमेलित करना है। सर खेल हो जाएगा कनिष्ठ सैनिक अधिकारी से। सब नवीस होगा ये होगा रात्रि लेखक से, और शिफा खाना अस्पताल से, और सिलहदार सशस्त्र सैनिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। ये मैंने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान गहरी धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था, दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमजान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था, वह सूफियों विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का बड़ा आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामले में शेखुल इस्लाम के राय लेता था और उलेमा से उसके संबंध मैत्रीपूर्ण थे। यह कश्मीर के शासक थे जैनुल
आबदीन, इनके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो पहले आ जाएंगे, इसमें जो पहले आएंगे वो होंगे राणा कुंभा, ठीक है, और उसके बाद आएंगे राणा उदा, और जो तीसरे आएंगे राणा रायमन, और जो फोर्थ नंबर पे आएंगे वो राणा सांगा। इस हिसाब से हम देख लेंगे कि डी पहला होना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, और फिर ए, ये रहा 24 का टू आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत ने अपने रुशद नामा में श्री गोरख अलख निरंजन ओमकार का जिक्र किया? ये थे शेख अब्दुल कुसुद गंगोही, यानी 25 का थ्री होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन कारण दिए हुए हैं, कथन कारण के क्वेश्चन यूजीसी में बहुत आते हैं, नेट में कथन दिया हुआ है। मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टालमी और गैलेन खगोल विज्ञान और औषधि विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे। ये रहा कथन। अब कारण दिया है, टॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार की मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था, और वे महान ज्योतिषी और अरस्तु न्यूक्लिड एवेरोस के बारे में बात कर सकते थे। तो जो पहला कथन है फ्रेंड्स वो सही है, ओके, और जो सेकंड बोल रहा है ये भी सही है, और इसका सही व्याख्या भी दे रहा है। इस हिसाब से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 26 का वन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। कथन, मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबद्ध रहे, और कारण दिया है अधिकांश उच्च शिक्षा मदरसों के बाहर शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी, जो प्रायः अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देते थे। जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सही है इसमें, और बी भी सही है, लेकिन जो कथन है वो उसका कारण सही व्याख्या नहीं दे रहा है। इसके अनुसार हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा टू नंबर, 27 का टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए? निम्न में से उन शासकों को चिन्हित करें। उन शासकों को हमको चिन्हित करना है। इसमें जो शासक थे वे थे अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, मतलब 28 का टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहते हैं। कथन, सिख धर्मशाला वह स्थान, सिख धर्मशाला वह स्थान था जहां सिख बैठते थे और अपने ईश्वर की उपासना में लगते थे। ये हो गया कथन, और कारण है जब ठग सज्जन ने गुरु अर्जुन को अपने सामने समर्पण किया तो एक धर्मशाला बनवाई, ठीक है, एक धर्मशाला बनाई। तो इसमें जो है ए सही है, लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर होगा 29 का थ्री नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नाम का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश और शहर पर आधारित किसी विशेष
विशेषण के आधार पर उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए, ये कहा था अकबर ने। मतलब 30 का वन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के रामदास पंत के बारे में क्या सही है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। देखते हम नेक्स्ट। 32, याददाश्त को सुमेलित हम करेंगे, याददाश्त जो सुमेलित होगा वो होगा ज्ञापन से। तालिका सुमेलित होगी संक्षिप्त दस्तावेज। पट्टा सुमेलित होगा हक, भूमि, भू संपत्ति अधिकार संबंधी प्रलेख से। इसके बाद कबूलियत है, कबूलियत होगा अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारियों के बारे में किसान द्वारा स्वीकार किए जाने संबंधी प्रलेख से। ओके, इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 32 का वन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिना हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रख कर और तब इसे धीरे धीरे उठाता है, क्योंकि व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे अबुल फजल, निम्न में से दंडवत प्रणाम कि किस विधि की ओर इंगित करता है? ये इंगित करता है तस्लीम की तरफ। तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा वन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं? जो खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं वो हैं मनोहर जाने जाते हैं, और दौलत जाने जाते हैं, और केशव दास जाने जाते हैं खुद की स्वयं की तस्वीर जो बना लेते हैं। तो आंसर हमारा इसमें होगा 34 का 4। यहाँ से फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी। पूरा मैं सॉल्व नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि जो मैं नया वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए मोबाइल पर। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।